अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम असाइनमेंट नंबर 5 का रिव्यू करेंगे। असाइनमेंट नंबर 5 थी कि आपने एक वर्चुअल स्विच बनाना है। तो इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 3 अदद प्रोग्राम्स कह लें क्लाइंट साइड के हैं। एक जो है हमारा स्विच मैनेजमेंट के लिए है और एक हमारा सर्वर है जिससे एक्चुअली वो 3 क्लाइंट्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखें क्लाइंट साइड का प्लान प्रोग्राम। इसके अंदर रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज के लिए जो इम्पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमने इम्पोर्ट करवा लिए। उसके बाद जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो ये वैलिडेट करता है कि मेरे जो रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं वो कमांड लाइन पे मुझे प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और इसमें हम क्या दे रहे होते हैं, प्रोग्राम का नाम, जो राउटर है उसका आईपी और राउटर की पोर्ट जिस पे इस प्रोग्राम ने कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होते साथ ही वैलिडेट करता है कमांड को। अगर कमांड वैलिडेट हो जाती है, रिक्वायर्ड पैरामीटर पूरे हैं, तो क्लाइंट जो होती है वो माय होस्ट और माय पोर्ट नाम के वेरिएबल में कमांड लाइन से दिए गए जो आर्गुमेंट्स हैं उनको सप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद ये चूंकि हमने टेस्टिंग के तौर पर बनाया है तो हम क्लाइंट का आईपी और क्लाइंट का मैक हम खुद से सेट कर रहे हैं। एक हार्ड कोडेड मैक और हार्ड कोडेड क्लाइंट अभी हम रख रहे हैं। ठीक है, और ये हमने सपोज कर लिया कि 10 की सीरीज में 10.10.10.15 है पहले क्लाइंट का आईपी और 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसका मैक है। ठीक है, ये मैक मतलब कुछ भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड मैक की कोई भी टर्म हो सकती है, लेकिन इसको अगर अपनी आसानी के लिए मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस नंबर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये अपने पास राउटर का जो होस्ट और पोर्ट है वो अपने पास एक टपल में स्टोर कर लेता है और उसके बाद राउटर के साथ कनेक्शन बना लेता है। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये उसके साथ एक इनफाइनाइट किस्म के लूप में आ जाता है और उसके बाद ये कनेक्शन बनने के बाद वेट करता रहता है कि वहां से इसे कोई मैसेज मिलता है या नहीं मिलता। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर हमारे बाकी दोनों क्लाइंट्स के प्रोग्राम भी बने हुए हैं। सिर्फ फर्क ये है कि उनके अंदर उनके आईपीएस उसी सीरीज में थोड़े से चेंज, सेकंड क्लाइंट का 25 है और थर्ड क्लाइंट का 35 है। इसी तरह से इनके मैक एड्रेसेस मैंने चेंज किए हैं, बाकी सेम टू सेम प्रोग्राम्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो हमारा ये राउटर वाला प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या होता है कि ये रेलेवेंट आर्गुमेंट वगैरह रेलेवेंट इम्पोर्ट्स करने के बाद चेक करता है कमांड लाइन आर्गुमेंट को, अगर वो ठीक हो तो ये अपने पास एक जो हमारी रेलेवेंट पोर्ट जो हमने दी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर ये अपने कनेक्शंस ओपन कर लेता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सर्वर के साथ भी कनेक्शन बना लेता है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा कुछ एक डायनामिक हार्डकोड किया हुआ है कि ये जो हमने मतलब जिस पोर्ट के ऊपर राउटर रन कर रहा होता है उससे ऊपर 100 और 200 पोर्ट, यानी अगर राउटर हमने 1000 पर रन किया तो 1100 1200 जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर ये सर्वर के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर लेता है। उसके बाद राउटर का जो मैक का टेबल या आर्प टेबल होता है या आईपी वाला टेबल होता है उसके लिए हमने यहाँ पे क्लाइंट्स के आईपी और क्लाइंट्स के मैक को हार्ड कोड कर दिया। ठीक है, तो ये वही रेलेवेंट आईपीज और रेलेवेंट मैक्स आ रहे हैं। उसके बाद ये जो राउटर है ये लिसन करना शुरू कर देता है। ठीक है, लिसन करने के बाद ये चेक करता रहता है कि जो ही क्लाइंट वन
या क्लाइंट टू या क्लाइंट थ्री ऑनलाइन आते हैं, यानी कि कनेक्ट होते हैं, इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देता है कि क्लाइंट वन जो है वो ऑनलाइन है, या क्लाइंट टू ऑनलाइन है, या क्लाइंट थ्री ऑनलाइन है, ठीक है। और जो ही ये देखता है कि ये तीनों, मतलब ये लूप वाइल वाला तब तक चलता रहेगा जब तक ये अभी कनेक्टेड नहीं है ना, तो जो ही ये तीनों कनेक्ट हो जाते हैं तो ये वाइल का लूप उसके बाद आगे पास ऑन कर देगा, और यहाँ पे राउटर सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद ये फिर एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, और वहां पर यह करता रहेगा, ये रिसीव करेगा मैसेज, मैसेज में से जैसा कि आपको पता है वो हेडर होता है, हेडर के अंदर से ये मैक सोर्स वाला, डेस्टिनेशन वाला, इसी तरह से सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, और ये चीजें निकालेगा, ठीक है। उसके बाद ये मैसेज को डिस्प्ले करेगा कि जी मुझे ये डिटेल्स और ये मैसेज जो है इस पैकेट में से मिला है, ठीक है। उसके बाद ये एक इथरनेट का हेडर बनाएगा जिसमें सोर्स मैक के हिसाब से और डेस्टिनेशन आईपी के हिसाब से ये पूरा वो पैकेट एक जनरेट करेगा, ठीक है। और उसके ऊपर ये डेस्टिनेशन सॉकेट के ऊपर इसको भिजवा देगा, और ये पैकेट जाएगा तो इंटेंडेड जो भी रिसिपिएंट होगा उसको ये पैकेट डिलीवर हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वो जो सोर्स मैग और सोर्स आईपी वगैरह के हवाले से जो भी उस पैकेट के अंदर डिटेल थी जो कि इसको रिसीव हुआ है सर्वर की साइड से, ठीक है। हम देखते हैं सर्वर क्या करेगा। सर्वर यहाँ पर सबसे पहले तो इस रेलेवेंट चीजें इंपोर्ट करेगा, वैलिडेशन चेक होंगी कि आपके वो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स हैं कि नहीं, उसके बाद होस्ट वगैरह की वो राउटर के हवाले से पोर्ट्स वगैरह सेट होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सर्वर क्या करेगा कि सर्वर वही जो भी राउटर की आईपी है उसके 200 के ऊपर ही अपनी वाली पोर्ट को बाइंड करवा लेगा। उसके बाद सर्वर का अपना आईपी और सर्वर का मैक हमने इसमें हार्ड कोड कर दिया, और राउटर का मैक भी इसके अंदर हार्ड कोड कर दिया, बिकॉज राउटर और सर्वर की जो कम्युनिकेशन है वो स्विच टू स्विच होगी, ठीक है, मैक बेस्ड लेयर टू के ऊपर, जबकि सर्वर की क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन थ्रू राउटर लेयर आप कह लें थ्री को मिमिक करेगी, ठीक है। और इसी तरह से राउटर और क्लाइंट की फिर दोबारा से लेयर टू के लेवल की होगी। तो अब ये करेगा ये कि ये अपने पास एक कनेक्शन बनने का इंतजार करेगा, ठीक है। और कनेक्शन राउटर से इसका कब बनेगा, जब राउटर के पास तीनों क्लाइंट कनेक्ट हो चुके होंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि जब राउटर के पास तीनों क्लाइंट कनेक्ट हो जाएंगे तो देन इस लूप से आगे बात जाएगी। तो जब ये आगे बात जाएगी तो ये यहाँ पे फिर राउटर सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा, और उसके बाद वो राउटर को सर्वर जो भी मैसेज भेजेगा वो आगे रेलेवेंट डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर दिया जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल अभी चला के भी देखेंगे। तो जब सर्वर के साथ राउटर का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो उसके बाद ये यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा एंटर टेक्स्ट मैसेज टू सेंड, ठीक है। और यूजर जो भी एंटर करेगा मैसेज वो मैसेज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये सर्वर आपसे पूछेगा कि आप जिस क्लाइंट को भिजवाना चाह रहे हैं मैसेज वो मुझे बता दें, और आगे ये हार्ड कोडेड में वो जो तीनों क्लाइंट्स हैं उनका आपको चॉइस देगा कि ये आईपीज हैं, इनमें से आप किस आईपी को भिजवाना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आप आईपी इनको प्रोवाइड करेंगे एज ए इनपुट, और वो उस आईपी की बेस के ऊपर एक ये
पैकेट तैयार करेगा, ठीक है, जिसमें सोर्स आईपी इसका अपना होगा, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी जो है वो वाला होगा जो आपने एंटर किया है, ठीक है, और उसके बाद सोर्स मैक जो है वो इस सर्वर का मैक होगा और डेस्टिनेशन मैक राउटर का मैक होगा, ठीक है, सोर्स मैक सर्वर का मैक और डेस्टिनेशन मैप राउटर का मैप, इसलिए कि इसने राउटर को ये पैकेट लेयर टू के ऊपर एज ए स्विच एक्ट करते हुए उसको डिलीवर करना है कि ये आगे भिजवा दो भाई, ठीक है। उसके बाद इथरनेट का हेडर डिजाइन होगा, ठीक है, जिसमें इथरनेट हेडर, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक आ जाएगा, और उसके बाद एक पैकेट क्राफ्ट होगा जिसके अंदर इथरनेट हेडर, उसके ऊपर आईपी का हेडर और उसका जो मैसेज है वो जो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाया था वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो राउटर है वो अपने उस कनेक्शन के ऊपर सेंड कर देगा पैकेट, ये जो भी हमने क्राफ्ट किया था इसको, ठीक है। और अगर जब ये सर्वर आपसे पूछे कि आपने किस आईपी पे ये मैसेज भिजवाना है, अगर आप इन तीन के अलावा कोई गलत आईपी एंटर कर देते हैं तो ये आपको मैसेज दे देगा कि रॉन्ग क्लाइंट आईपी इनपुट है, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन चलेगी। अभी हम इसको प्रैक्टिकली चला कर देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले पाइथन और सर्वर को चला देते हैं। तो अगर हम उसको सिंपल कमांड देंगे तो एरर दे देगा कि नहीं भाई, आपने इसके साथ पोर्ट और वो भी बतानी है, होस्ट नेम। तो हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि आप सर्वर को चलाएं और सर्वर को चलाएं ऑन लोकल होस्ट विद पोर्ट नंबर, हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं 1122। ठीक है जी, 1122 के ऊपर हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं सर्वर को। तो ये देखें सर्वर लिसनिंग मोड में चला गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम पाइथन राउटर को चलाते हैं तो राउटर भी कहेगा कि आप मुझे रिक्वायर्ड पैरामीटर प्रोवाइड करें, और इसको भी हम लोकल होस्ट पे 1122 पे चला देते हैं। तो ये राउटर भी लिस्टिंग मोड में चला गया है, लेकिन जैसा कि हमने अपने कोड में देखा था कि जब तक वो तीनों क्लाइंट हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते तब तक ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करते। तो ये देखिए सर्वर भी लिसन पे है, राउटर भी लिसन के ऊपर है। अब हम वन बाय वन पहली, दूसरी और तीसरी विंडो में अपने क्लाइंट चलाते हैं। पाइथन क्लाइंट वन, ये भी कह रहे कि आप सर्वर यानी कि राउटर का आईपी और पोर्ट डालें, तो हम इसको कहते हैं कि लोकल होस्ट 1122। तो देखें ये भी कनेक्ट हो गया, और ये कनेक्ट हुआ है तो हम देखते हैं कि राउटर के ऊपर मैसेज आ गया क्लाइंट वन इज ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन अभी सर्वर के ऊपर कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, ये ऑनलाइन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे पाइथन क्लाइंट टू लोकल होस्ट 1122, ये लिसन मोड पे चला गया। ये देखिए यहाँ पे क्लाइंट टू का भी मैसेज आ गया कि क्लाइंट टू इज ऑनलाइन, जबकि यहाँ पे अभी तक कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद हम फाइनली अपने क्लाइंट थ्री को चलाते हैं लोकल होस्ट के ऊपर 1122 के साथ राउटर की पोर्ट पे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको हमने चलाया तो ये भी लिस्टिंग मोड में चला गया। वहाँ पे देखें कह रहा है क्लाइंट थ्री इज ऑनलाइन, और जो ही क्लाइंट थ्री ऑनलाइन हुआ है तो देखें सर्वर के साथ उसने कम्युनिकेशन के लिए उसको गो अहेड दे दिया है। अब सर्वर पूछ रहा है कि आप यहाँ पे अपना मैसेज टाइप करें, हम कहते हैं कि दिस मैसेज इज
टेंडेड फॉर क्लाइंट वन, ये हमारा मैसेज था, एंटर किया। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप ये मैसेज किस आईपी पे भिजवाना चाहते हैं। हम चूंकि क्लाइंट वन में भिजवाना चाह रहे थे, क्लाइंट वन का आईपी 10.10.10.15 था, हम यहाँ पे वही आईपी इनपुट कर देंगे 10.10.10.15। ठीक है, हमने एंटर किया तो ये वापस एंटर टेक्स्ट मैसेज तो सेंड के ऊपर आ गया। वो मैसेज भिजवाने के बाद हम राउटर पे जाके देखते हैं तो राउटर में कहा है कि इस एक हमें पैकेट रिसीव हुआ है जिसका सोर्स मैक था 11.22.33.44.55.66, ये सर्वर का मैक था, डेस्टिनेशन मैक था A4BBCCDDEFF, ये मैंने राउटर का मैक रखा था। ठीक है, उसके बाद इसका जो सोर्स आईपी एड्रेस है ये सर्वर का 10.10.10.10 था, डेस्टिनेशन जो है 10.10.10.15 थी, और इसके अंदर जो मैसेज का जो टेक्स्ट था वो था दिस मैसेज इज इंटेंडेड फॉर क्लाइंट वन, और राउटर ने ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया। हम जाकर देखते हैं, ये था हमारा क्लाइंट थ्री, क्लाइंट थ्री पे कोई डाटा नहीं है, क्लाइंट टू कोई डाटा नहीं है, क्लाइंट वन देखें तो वो जो मैसेज हमने भिजवाया था वो यहाँ पे क्लाइंट वन पे पहुंच चुका है। ये कह रहा है जी पैकेट हमें मिला है, ठीक है, और ये इंटेग्रिटी चेक करने के बाद पता चल रहा है कि जो डेस्टिनेशन का मैक है ट्रू है, डेस्टिनेशन का आईपी ट्रू है, यानी कि इस वाले सर्वर का जो पैकेट मिला है वो इस सोर्स मैक से इस मैक की तरफ आया। ठीक है, और उसका जो सोर्स आईपी था और ये उसका डेस्टिनेशन आईपी था, उसके अंदर ये मैसेज लिखा हुआ था। ठीक हो गया, तो ये इसको आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम सर्वर पे जाके कोई दूसरा मैसेज लिखते हैं, दिस इज द मैसेज फॉर क्लाइंट टू, और ये हम भिजवा देते हैं 10.10.10.25 को। ठीक है, मैसेज चला गया और साथ ही वापस रीडिंग मोड में आ गया। ये देखें यहाँ पे ये पहला मैसेज किया था, अब ये दूसरा मैसेज 10.10.10.25 को भिजवा दिया गया थ्रू राउटर। ठीक है, हम देखते हैं क्लाइंट थ्री बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ है, क्लाइंट टू पे ये वाला मैसेज आ गया, दिस इज द मैसेज फॉर क्लाइंट टू, ये जो भी हमने भिजवाया था क्लाइंट टू के लिए, और क्लाइंट वन के ऊपर देखें ये मैसेज नहीं आया, क्लाइंट थ्री के ऊपर ये मैसेज नहीं आया, क्योंकि ये मैसेज था सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट नंबर टू के लिए। ठीक है, क्लाइंट वन वही लिसनिंग मोड में बैठा हुआ है। उसके बाद हम कहते हैं मैसेज फॉर क्लाइंट थ्री, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं आईपी 10.10.10.35। वापस मैसेज मोड में चला गया सर्वर, राउटर के ऊपर से देखें तीसरा पैकेट भी घूम फिर के आगे चला गया, फॉरवर्ड हो गया, और ये देखें क्लाइंट थ्री के पास मैसेज फॉर क्लाइंट थ्री वाला मैसेज पहुंच गया, जबकि बाकी दोनों राउटर्स के पास ये वाला मैसेज नहीं आया। अब हम वन को दोबारा से मैसेज भिजवाते हैं, हम कहते हैं डुप्लीकेट फॉर सी वन क्लाइंट वन, और ये हम भिजवा देते हैं 10.10.10.15 को क्लाइंट वन को। ठीक है, मैसेज चला गया आगे फॉरवर्ड, ये देखें डुप्लीकेट फॉर क्लाइंट वन वाला मैसेज ये राउटर से पास हुआ है, क्लाइंट थ्री पे नहीं आया, क्लाइंट टू पे नहीं आया, क्लाइंट वन के ऊपर ये डुप्लीकेट फॉर सी वन, देखें पिछला वाला मैसेज दिस मैसेज इज सेंडेड फॉर क्लाइंट वन जो मैंने सबसे पहले भेजवाया था, और यहाँ पे ये उसने डुप्लीकेट फॉर सी वन वाला जो करंट मैसेज है इसको भी डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक राउटर स्विच और साथ जो उसके क्लाइंट कम्युनिकेशन है उस प्रोग्राम का डेमो था।